दोस्तों, ये जो वीडियो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट टाइपिंग के बारे में है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखिए कुछ लोग को मालूम होगा, कुछ लोग को नहीं मालूम होगा। वो सिर्फ अपनी टाइपिंग पे फोकस कर रहे होंगे और डर भी रहेंगे। तो ये जो बेसिकली चीज़ें हैं ये आपके मन से डाउट हटा देगी, ठीक। आपको 1% परेशानी नहीं होगी टाइपिंग में। तो सबसे पहले आप ये आराम से देख लीजिए क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। आपने देख लिया होगा, अब मैं बताता हूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो टाइपिंग है, जिनकी टाइपिंग मान लीजिए स्पीड नहीं भी आ रही हो, उनको भी बहुत बेनिफिट होगा ये वीडियो देखने के बाद, पहला। दूसरा, कुछ डाउट ये होता है कि मेरा मान लीजिए टाइपिंग जो मैटर आया वो कंप्लीट नहीं कर पाया तो क्या फेल हो जाऊंगा कि पास हो जाऊंगा, ऐसा करके एक डाउट आता है दिमाग में, ठीक। कि मिनिमम मेरा स्पीड इतना नहीं आ रहा, मेरी तो 15 आ रही है, 20 नहीं आ रही है, ये डाउट होता है कभी कभी। दूसरा ये भी डाउट होता है कि ऑटो स्क्रॉल वाला रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। और ये ऑटो स्क्रॉल हो गया, ठीक है, हाईलाइट वाला हो गया, बैक स्पेस से रिलेटेड डाउट होता है, बहुत सारे डाउट होते हैं। देखिए ये वीडियो आप सुन लीजिए, आराम से देख लीजिए, आपने डेफिनेटली आपको मालूम भी होगा। जो लोग नए होंगे उनके लिए थोड़ा सा बहुत दिक्कत होता है, जो पुराने उनके लिए 1% नहीं दिक्कत है। पुराने इन द सेंस का मतलब है जिसने लास्ट टाइम टाइपिंग दी होगी उनको 1% दिक्कत नहीं होगी, ठीक। आइए तो सबसे पहले टाइपिंग मैटर देखिए। अभी अब आप सोचेंगे कि अभी क्यों बना रहे हैं, तो अभी भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक। टाइपिंग आपका इस मेंटेन है, बस डाउट क्या होता मैटर क्या आ जाए वहाँ पे, तो ये डाउट हटा देंगे। तो देखिए जो लास्ट टाइम था, ये जो वीडियो बेसिकली मैंने लास्ट टाइम वाले चीज़ों को ऑब्जर्व करके बनाया है। अगर ऐसा जो आपका होने वाला है टाइपिंग उसमें आ जाए तो और अच्छी बात है। देखिए टाइपिंग मैटर जो सिंपल था, ठीक है, लास्ट टाइम क्या था, सिंपल आया था, कोई उसमें संज्ञान मामले या इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड नहीं था, ठीक है। इंग्लिश जो टाइपिंग थी उसके वर्ड थोड़े लेंदी थे, ठीक। तो जो आपकी इंग्लिश में है थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन इंग्लिश अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो वर्ड को मतलब टाइप करने में 1% दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो लास्ट टाइम हिंदी तो ठीक थी, मतलब हिंदी वाली टाइपिंग में, क्लियर। अच्छा, वर्ड हाईलाइट होगा कि नहीं, सबसे बड़ा एक मुद्दा आता है, ठीक। तो शब्द हाईलाइट नहीं होते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। आप जैसे इंडिया टाइप पे करते हो तो वहाँ वर्ड हाईलाइट होता है, तो यहाँ पे इंडिया यहाँ पे क्या है, हाईलाइट नहीं होगा, क्लियर। अच्छा, बैक स्पेस अलाउ होता है कि नहीं, तो आप बैक स्पेस कर सकते हैं गलत होने पर। मान लीजिए आपने कोई टाइप कोई वर्ड टाइप करा और वो क्या हो गया, गलत हो गया, तो आप बैक स्पेस से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग घर पे टाइपिंग, बहुत लोग मतलब बिना बैक स्पेस हटा देते हैं बैक, और वो उससे मतलब टाइपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये भ्रम दिमाग से हटा लीजिए। वहाँ पे तो अभी जो लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग है, अभी एनटीए क्या कर देगा वो नहीं बता सकता, लेकिन ये तो पक्का है, क्लियर है कि बैक स्पेस अलाउ है, ठीक है। ऑटो स्क्रॉल होगा कि नहीं, एक ये होता है वर्ड, तो लास्ट टाइम जो सामने दिखता है मतलब क्या होता है कि स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा वो होगा, इस बार क्या हो सकता है ये मैं नहीं बता सकता हूँ। कि पता चला वहाँ पे दिखने लगे तो आपको ब्लेमिंग करने लगो या ऐसा कुछ भी हुआ, तो लास्ट टाइम ऐसा कोई इशू नहीं था, सामने दिख रहा था, ठीक है, ऐसे है तो वो सामने दिख रहा था, क्लियर। अच्छा, मैटर टाइप कंप्लीट, जो एक डाउट होता है मैटर टाइप कंप्लीट ना होने पर फेल होंगे कि नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक एक लाइन भी छूट जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी एक्यूरेसी और वर्ड एक्यूरेसी देखी जाती है, ठीक है। तो आपका एक एक लाइन भी छूट गया तो कोई ऐसा कोई इशू नहीं कि आप फेल हो गए, पास हो गए, कोई ऐसा कोई मिनिमम आपको 10 मार्क्स लाने आ जाएंगे आराम से, ठीक। अच्छा, जो पैसेज से होता है, तो पैसेज जो हिंदी के होता है 250 वर्ड्स और इंग्लिश में 300 वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड इतने आते हैं, ठीक है। तो वो जो डाउट है कि आपका पैसेज वाला कि एक लाइन छूट गया तो क्या मैं पास होऊंगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लोगों की एक एक लाइन, आधी आधी लाइन छूट भी गई है तो भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आप चाहे ध्यान से देखिएगा, किसी से पूछिएगा, ठीक। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और दूसरा जो डाउट हो रहा है कि आपकी स्पीड 15, 16 या 19 या 20 आ रही है, तो भी ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। आपके मार्क्स तो बन नहीं है, वो मिनिमम आपको एक्यूरेसी अच्छी रखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो डाउट था आपके दिमाग से वो मैंने क्लियर कर दिया। बाकी और कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो ये वीडियो आप सोचोगे कि पहले क्यों नहीं बनाया या अभी बनाया, तो देखिए पहले भी लोग जानकार थे, लेकिन अब जो लास्ट टाइम है इसमें क्या है कि जो आपके डाउट था वो क्लियर हो गया, अब आराम से आप निश्चिंत होकर वहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं बेहिचक, ठीक। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।